ये देखिए पूर्वांचल बैंक का चेक है, पूर्वांचल बैंक में कैसे भरेंगे? तो ये बढ़ई बाज़ार बस्ती का है, यहाँ पे पहले तारीख लिखेंगे, डेट डेट मंथ वाई 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 है, यहाँ लिखा है पे, अगर अपने निकालना तो सेल्फ लिख दिया, अगर किसी को देना हुआ इसे संतोष को देना संतोष लिख देंगे, यहाँ लिखा है या धारक को रुपए रुपए यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए 5,000 देना 5,000 ओनली, फिर यहाँ लिखेंगे 5,000, ये अकाउंट नंबर दिया हुआ है, पहले अकाउंट नंबर रहता है, प्रिंट नहीं रहता पूर्वांचल में, ये हो गया, फिर यहाँ पे साइन करेंगे, साइन कर उसको दे देंगे, अगर उसको नगद देना नगद लेना होगा तो यहाँ नगद उसके नाम देंगे, वो अपना नगद जाके निकाल लेंगे, अगर यहाँ पे क्रॉस कर देंगे तो ये वो नहीं निकाल सकता, केवल अकाउंट में क्रेडिट होगा। देखिए इसको भरने का तरीका बता रहे हैं, आज है 29 10 2020 ठीक, फिर यहाँ मान लीजिए रामलाल रामू को, रामू ठीक, मान ली 5,000 देना, तो यहाँ लिख दिए ठीक, फिर यहाँ लिख दिए 5,000 के आगे ओनली जरूर लिखना चाहिए, अगर 2,000 है तब भी ओनली, ये 1,00,000 है तब भी ओनली लिखा जाता है, ओनली लिख दीजिए, फिर यहाँ साइन हो जाएगा, हमारा ही हो जाएगा, लिख देंगे राजेंद्र, ठीक, अभी हमने चेक दे दिया रामू को, रामू जाके अपना पेमेंट वहाँ पे ले लेंगे, इसके पीछे रामू यहाँ साइन करेंगे, एक साइन करके दे जाएंगे, कैशियर के सामने करना होगा, एक तो ये नियम हो गया, एक दूसरा नियम ये हो गया, यहाँ पे अगर हम क्रॉस कर देते हैं तो ये केवल रामू के अकाउंट में ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, ये एकदम सेफ है, बढ़िया तरीका है कि उनके अकाउंट में जाए, अगर कैश देना तो बिना इसको दस्तखत किनारा क्रॉस किए देंगे तो वह उनके अकाउंट में जाएगा, केवल यही तरीका है इसका देने का, पूर्वांचल बैंक के भरने का, समझ गए होंगे आप लोग, कि फिर एक बार समझा देते हैं, यहाँ डेट डेट भरना है, यहाँ पे रामू भरना है, 5,000 ओनली, यहाँ 5,000 देना, 5,000 ओनली का निशान लगाना है, आइजन लगाना है रुपए का, फिर यहाँ अकाउंट नंबर जो हो अकाउंट का खाते अकाउंट नंबर, फिर यहाँ दस्तखत करना होगा, दस्तखत हमने अपना किया है राजेंद्र कुमार, ये हुआ, ये रामू जाके अपना दस्तखत यहाँ करके पीछे बैग पे एक साइन पहले करेंगे, एक साइन कैशियर के सामने करेंगे, तो उनको नगद मिलेगा, और यदि आपको रामू को नगद न देकर केवल उसके अकाउंट में जाए तो यहाँ एक क्रॉस का निशान बना दें, बस यही एक तरीका इसका चेक का, समझ गए होंगे, धन्यवाद।